प्राचीन शास्त्र पुराण से मिलता अगर भवि ज्ञान, सुसंस्कार जीवात्मा को कैसे करे आह्वान। अच्छे गर्भाधान संस्कार दंपति चाहे गर्भाधारण करि गर्भाधान मंत्र उच्चारण। महावारी के दशवे महावारी के बीसवे दिन तक देव दर्शन और स्नान आदि, कुमकुम अक्षत जल और हल्दी, पुष्प तिलक श्री फल मालादि करना गर्भ की पूजा विधि। इंद्र प्रजापति सरस्वती अग्नि देव और विष्णु आदि आशीर्वाद सारे, स्वस्थ बीज माँ गर्भ पधारे। पोषण पाए शिशु जो गर्भित नव माह तक रहे सुरक्षित। हमें ऐसी संतान दो ईश्वर पर बुद्धि आयु हो बेहतर। कलश दीप का करके स्थापन, विवरण नद शुभ दीप जलावन, मंगल चरण सब मिलके गावन, आशीष देते सब स्नेही जन। गर्भाधान के बाद है माता, कहते हैं सब ज्ञानी ज्ञाता, परचर्या का पालन करके गर्भ शिशु की रक्षा करना। सात्विक भोजन करना, योग प्राणायाम कसरत करना, वस्त्र अलंकार रत्न धारण, गृह नक्षत्र अनुरूप करना। रुचिकर संगीत करो श्रवण तुम, चित्र रंग अच्छे देखो तुम, शुद्ध हवा मिलती हो जहाँ पर विहार कर ले माता वहाँ। करण और चलना, घात अघात से सदा संभलना, सूक्ष्म जीवों से गर्भ की रक्षा, सोच समझ के खाना पीना, सुदृढ़ शरीर निर्मल मन हो, तन मन अपना सदा प्रसन्न हो, धर्म कथा और प्रेरक गाथा, नित्य हृदय प्रभु के दर्शन हो। प्रथम महासिंह बीज संयोजन गर्भ विकास का प्रारंभ होता, शरीर मात का पुष्ट हो जाता, आनंद मुख पर छल कह जाता। द्वितीय मास पंच तत्व है बनता, गर्भ में शिशु की होती है रचना, निर्माण क्रिया में वेग है आता, शिशु आकारित बनने लगता।
संस्कार प्रतीका, पंच पिंड धीरे से खिलाता, आँख कान और हाथ पाव से सूक्ष्म रूप से दिखने लगता, शिशु हृदय चातुर्थ में बनता, गर्भ जरा सा हिलता डुलता, माता गर्भ का मिलन है होता, गर्भ मातना भी से जुड़ता। पंच मास से श्रवण क्रिया हो, मंत्र उच्चारण की विधि हो, मात पिता जो कुछ भी बोले, गर्भ शिशु प्रतिक्रिया में डोले। मास ओजस है आता, मन बुद्धि का विकास होता, काया कल्प है होने लगता, शिशु स्वयं सवरने लगता।
सुमति बाल की सुख पायो। सुंदर नारी
सुर हनि भक्त छुड़ाए, सुर न जीति सुर तरु महिलाए, दंत वक्र शिशुपाल संहारे, खग मृग नृग अरु बधिक उधारे, दीन सुदा अपना वाहु प्राणेश।
से घर में लाल आने वाला है। मेरे छोटे से घर में लाल आने वाला है। मेरे छोटे से घर में लाल आने वाला है। मेरे छोटे से घर में लाल आने वाला है। कि मेरे लिए खुशियाँ लाखों वो तो लाने वाला है। कि मेरे लिए खुशियाँ लाखों वो तो लाने वाला है। मेरे छोटे से घर में thank you।
अगर आप गर्भावस्था में पूरी भागवतम ना भी पढ़ पाए तब भी श्री कृष्ण जन्म के समय की स्तुति शिशु को अवश्य सुनानी ही चाहिए। भागवत पुराण के 10वें स्कंध के 2 अध्याय में वह प्रसंग आता है कि किस प्रकार सारे देवों ने देवकी माँ के गर्भस्थ शिशु की स्तुति गाई और उनके स्वरूप का वर्णन किया। भगवान के सभी दिव्य गुणों को बताया। गर्भ संस्कार में माना जाता है कि आप जैसा सोचते हैं, जैसे गुणों को चाहते हैं, आपकी संतान वैसे ही उन्हीं गुणों को लेकर जन्म लेती है। इसलिए इस समय नित्य भगवान का सही स्वरूप शिशु को सुनाना चाहिए ताकि कलयुग में भी वह भगवान का परम प्रिय बन सदराह पर चल पाए। स्तुति में देवता भी कहते हैं, जो आपको पहचानते हैं उनकी रक्षा आप स्वयं करते हैं और उनको कोई भी बाधा नहीं रोक पाती। पुराणों में बताया गया माता देवकी और वासुदेव पूर्व जन्म में देव माता अदिति और राजा कश्यप थे। तब उन्होंने भगवान हरि की घोर तपस्या की। भक्तों का मान रखने के लिए दयालु परमेश्वर भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह उनके घर पर जरूर जन्म लेंगे और देखिए वह समय आ गया। आज माँ देवकी की कोख में स्वयं भगवान परमेश्वर विराजित हैं। उनकी लीला को देखने के लिए सभी देवता उत्साहित और आनंदित हैं। गर्भ स्तुति भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व देवताओं ने कारावास में आकर गाई थी। इस स्तुति को रोज ध्यान से सुनने से शिशु में भी भगवान जैसे ही गुण आते हैं। आइए श्रद्धा पूर्वक पाठ प्रारंभ करें। सर्वप्रथम परीक्षित जी भागवत पुराण के 25वें और 26वें श्लोक में कहते हैं, श्री हरि के लीला दर्शन हेतु भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, नारद आदि ऋषि कंस के कैद खाने में आए। वहाँ श्री हरि को देख इस प्रकार स्तुति करने लगे, आप सत्य संकल्प हैं, सत्य स्वरूप हैं। सृष्टि के पूर्व प्रलय के पश्चात तथा इस दृश्य मान जगत की स्थिति में तीनों अवस्थाओं में सिर्फ आप ही सत्य हैं। पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, ये 5 दृश्य मान सकते भी आपके ही रूप हैं। आप इस दृश्य मान जगत की शाश्वत जो कभी नहीं मिटता वह रूप हैं। भगवान हम सभी बस आपके सत्य स्वरूप के शरण में ही आए हैं। हे प्रभु, आप ही इस संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति के आधार हैं। आप में ही इसका प्रलय होता है और आपकी कृपा से ही इसकी रक्षा होती है। जिनका चित आपके द्वारा ही की गई माया से भ्रमित हो जाता है, वह सत्य को नहीं समझ पाते और वह संसार की उत्पत्ति उसका रक्षण करने वाले और प्रलय करने वाले ब्रह्म देवताओं को अलग अलग रूप में देखते हैं। परंतु तत्व ज्ञानी पुरुष तो सबके रूपों में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं। आप ही इस जगत के कल्याण के लिए अनेकों रूप धारण करते हैं। आप संत पुरुषों की रक्षा करने वाले, दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड देने वाले परम न्यायकारी हैं। हे कमल नयन, कुछ लोग ही आपके दर्शन कर पाते हैं। सृष्टि के समस्त पदार्थों और प्राणियों में आपके रूप में अपना चित लगा पाते हैं, अर्थात हर अच्छाई में आपको देख पाते हैं। ऐसे सत्पुरुष आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार रूपी भव सागर को आसानी से पार कर पाते हैं। आज तक सभी ऋषि संतों ने इसी एकमात्र जहाज से संसार सागर को पार किया है। हे परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा, आपके भक्त इस जगत में प्रेमी, सच्चे, द्वितेशी, दयावान और परोपकारी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से भरे संसार रूपी भवसागर को पार करते हैं, अपितु औरों के कल्याण के लिए भी यहाँ आपके चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं, अर्थात ऐसा ज्ञान दूसरों को भी देकर जाते हैं। वास्तव में ऐसे सत्पुरुषों पर आपकी महान कृपा होती है। हे परम कृपालु, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते तथा आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, परंतु वे अपने आप को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं, ऐसे लोग यदि बड़ी बड़ी तपस्या और साधना भी कर ले, किसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाए,
तो भी वह वहाँ से जल्द ही नीचे गिर जाते हैं। परंतु हे भगवान, जो आपके अपने प्रिय जन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञान अभिमानियों की तरह अपने मार्ग से विचलित नहीं होते और परम लक्ष्य को पाते हैं। हे प्रभु, बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के सरदारों के सर पर भी पांव रखकर निर्भय होकर गुजरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता, क्योंकि उनके रक्षक आप जो होते हैं। हे प्रभु, आप ही संसार के समस्त बेहद धारियों परम कल्याण प्रदान करने वाले विशुद्ध सात्विक सच्चिदानंदमय परम दिव्य मंगल रूप हैं। उस रूप से प्रकट होने से ही आपके भक्त वेद, कर्मकांड, अष्टांग योग, तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु, आप सबके विधाता हैं। यदि आपका ये विशुद्ध स्वरूप ना हो तो अज्ञान और उसके द्वारा होने वाले दुष्प्रभाव को नष्ट करने वाली शक्ति किसी के भी पास नहीं होगी। वास्तव में जगत में दिखने वाले तीनों गुण सत, रज, तम आपके हैं और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं। यह सत्य है, परंतु इन गुणों के प्रकाश से भी आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही होता है, आपके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। हे भगवान, मंत्र और वेदवाणी के द्वारा भी आपके स्वरूप को नहीं पहचाना जाता, क्योंकि उनके भी बस आप साक्षी हैं। इसलिए आपके गुण, जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपको पहचाना नहीं जा सकता। फिर भी प्रभु आपके भक्तजन उपासना और ध्यान में आपका दर्शन पाते हैं। देखा गया है, जो पुरुष आपको मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित लगाए रहता है, उसे फिर जन्म, मृत्यु, संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता। संपूर्ण दुखों को हरने वाले भगवान सर्वेश्वर है। यह पृथ्वी तो आपके चरण कमल ही है। आपके अवतार से इसका भार दूर होगा। धन्य है प्रभु, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपके सुंदर सुंदर चिन्हों से युक्त चरण कमलों के द्वारा विभूषित पृथ्वी को देखेंगे और स्वर्ग लोक को भी आपकी कृपा से कृतार्थ करेंगे। प्रभु, आप अजन्मा हैं, अर्थात आपका कभी जन्म नहीं होता। फिर भी यदि आपके जन्म के कारण के संबंध में हम कोई तर्क ना करें तो यह कह सकते हैं आपका दिल विनोद है। ऐसा कहने का कारण ये है कि आप तो जन्म मरण से परे शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूप हैं। इस जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय सब कुछ आप में ही स्थापित है। हे प्रभु, आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, कश्यप, नरसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोकों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। यदुनंदन, हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। देवता देवकी जी को भी संबोधित करते हुए कहते हैं, माता जी, ये बड़े सौभाग्य की बात है, आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। तब आप तन से तनिक भी मत डरिए, अब तो बस कुछ ही दिनों का मेहमान है, आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा, इस पूरे जगत का वह कल्याण करेगा, संपूर्ण पृथ्वी प्रभु की आभारी युगो युगो तक रहेगी। ऐसी परम कल्याणकारी प्रभु की हम नित्य स्तुति गाते हैं, उनको नमन वंदन करते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः।